नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 13 जून सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है, आषाढ़ मास है, कृष्ण पक्ष है, ग्रीष्म ऋतु है, तिथि आज की दसवीं है और आज का वार है मंगलवार। अमृत सर्वार सिद्धि योग और कुमार योग आज के इस दिन को और भी ज़्यादा शुभ बना रहे हैं, योग कारक बना रहे हैं। आज के नक्षत्र की बात करें तो रेवती नक्षत्र दोपहर 1:32 तक रहेगा, आगे अश्विनी नक्षत्र है। योग शोभन है और योग की दृष्टि से बहुत ही शुभ और योग कारक दिन है, तो इस दिन का पूरा पूरा लाभ उठाइए। करण वृष्टि है सुबह 9:30 तक, आगे बवकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:22 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:19 का है। आज का राहुकाल दोपहर बाद 3 से 4:30 के बीच रहेगा, जिसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता है और लंबी यात्रा पर नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:53 से दोपहर 12:48 के बीच है। दिन में दो बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है सुबह 8:09 और सुबह 9:05, इन्हें टाल देंगे तो इस दिन का पूरा पूरा आप सदुपयोग कर पाएंगे। आज का दिशाशूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि उत्तर की यात्रा को आप टाल दें। अगर नहीं टाल सकते, जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो इसका छोटा सा एक परिहार करें। परिहार बहुत सरल है, उत्तर की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा खा लीजिए और 5 कदम पीछे चलिए और इस पूरी प्रक्रिया में अपने इष्ट और भगवान श्री राम का ध्यान करके उन्हें अपने हृदय में मानिए और फिर यात्रा पर निकलिए। ऐसा करेंगे तो यात्रा बहुत अच्छी रहेगी, कार्य सिद्ध होगा और दिशाशूल आपको परेशान बिल्कुल नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और फिर दोपहर बाद 4:30 से शाम 5:30 तक। ये दोनों जो समय है, ये दोनों कालखंड है, ये पूरे बाकी दिन की अपेक्षा ज़्यादा योगकारक और शुभ होते हैं। तो आप अच्छे एफर्ट्स करें, कोई अच्छा कोशिश करें, कोई बिजनेस डील करें तो इन समय में करेंगे तो सफलता के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों मीन है, दोपहर 1:32 तक आगे चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले आज किसी बड़ी समस्या से बाहर आते दिखेंगे और वृष राशि वालों को हाथ आती हुई सफलता दूर जाती दिखेगी। मिथुन राशि वाले एक के बाद एक लाभ प्राप्त करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कर्क राशि वालों को भाग्य से मिलेगा एक बड़ा मौका अपने करियर को नई दिशा देने का और सिंह राशि वाले स्वास्थ्य लाभ करते देखेंगे, छोटी मोटी बीमारी चल रही थी तो उससे बाहर आएंगे। कन्या राशि वालों को ध्यान रखना है कि उनके और पार्टनर के संबंध कटुता में ना परिवर्तित हो जाए। तुला राशि वाले पैसे की लेन देन में आज रहेंगे प्रॉफिट में और वृश्चिक राशि वालों को ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय कहीं आप पर भारी ना पड़ जाएं। और धनु राशि वाले घर परिवार की समस्याओं पर पाएंगे नियंत्रण और मकर राशि वाले ध्यान रखें कि उनका अति आत्मविश्वास आज उन्हें ही अपमानित ना करवा दे। और कुंभ राशि वाले धन लाभ के साथ साथ कमाएंगे यश और प्रसिद्धि और मीन राशि वाले अपने दम पर आगे बढ़ते हुए दिखेंगे सफलता की ओर। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी, फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो जीवन को सुगम, सुरक्षित, सुंदर और सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, एक बहुत ही सुंदर सूत्र जो कि जीवन का सूत्र है वो विदुर नीति में आता है, जिसे आज हम समझेंगे और अपने जीवन में इसे आचरण में उतारेंगे, जिससे हमें लौकिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की सफलताएं प्राप्त हो। श्लोक इस प्रकार है कि षड दोषा पुरुषेण हातव्या भूतिमिच्छिता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। इसका अर्थ यह है कि संसार में उन्नति के अभिलाषी व्यक्तियों को 6 दोषों या कहें कि 6 दुर्गुणों का सदा के लिए त्याग कर देना चाहिए। ये 6 दुर्गुण है अति निद्रा और तंद्रा यानी ऊंघना, भय, क्रोध, आलस्य और काम टालने की आदत या कहें कि 1 घंटे के काम को 2 दिन में करने की आदत। इन सब आदतों से आप सदैव असफल ही होंगे और इनको अगर त्याग देंगे, इनसे दूरी बना लेंगे तो सफलता स्वतः अपनी ओर चलकर आती दिखेगी। दर्शकों, अपने काम के प्रति, अपनी जॉब के प्रति या अपने कर्तव्य के प्रति बहुत ही निष्ठा रखनी चाहिए। हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में आप देखेंगे कि साधु संत जो कि विरक्त हो चुके हैं, जो संन्यास ले चुके हैं, जिन्होंने गृहस्थी त्याग दी है, जिन्होंने कोई जॉब काम धंधा सब बंद कर रखा है, वो भी अपने सामान को जैसे अपने लोटे को भी मांजेंगे तो इतने तन्मयता से मांजते हैं जैसे ये बहुत बड़ी जॉब हो।
तो अपने कर्म के प्रति वो कभी आलस्य नहीं दिखाते हैं, तंद्रा नहीं दिखाते हैं, कभी कोई आज के काम को कल पर टालने की आदत नहीं दिखाते हैं। यही चीज़ हमें अपने गृहस्थी में भी अगर यूज़ करते हैं, हम अपने जीवन में लगाते हैं, तो बहुत बड़ी सफलता हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की ज्ञान चर्चा का सार ये है कि हम इन दुर्गुणों से दूर रहें, कर्तव्यनिष्ठ बने और आलस्य से दूर बने रहें। अब करते हैं बात उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सारी समस्याओं के सरल समाधान आपको देंगे और जिन्हें करके आप असफलता और अड़चनों को पीछे छोड़ते हुए सफलता और समृद्धि की ओर दृढ़ता से अग्रसर होंगे। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिन का जन्मदिन है, आज आप लोग बंदरों को गुड़ चना और गौ माता को दलिया और गुड़ खिलाएं और दोपहर 12:30 बजे के बाद में भगवान शिव जी का शहद और मसूर की दाल से अभिषेक करें और रात्रि में आज एक अनार, एक पान और एक लड्डू हनुमान जी को अर्पित करके 11:11:11 इस अनुपात में हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान अष्टक का पाठ करें। तो आने वाला पूरा वर्ष आपके लिए बहुत ही विशेष शुभ रहेगा, ईश्वरीय अनुकंपा के साथ बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे दर्शकों, बहुत बार जीवन में ऐसा लगने लगता है कि हमारा व्यापार काम धंधा बंद सा हो चुका है, या कहें कि किसी नेगेटिविटी के चलते व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी हैं, या मानो किसी ने ईर्ष्या के चलते व्यापार बांध दिया है। ऐसी स्थिति से अगर आप गुजर रहे हैं तो इस साधनात्मक उपाय को 11 दिन तक लगातार अपने व्यापार स्थल पर करें, या तो खुद कर लें या किसी से करवा लें। करना आपको सिर्फ ये है कि 11 माला इस विशेष मंत्र का जाप देवी के चित्र या यंत्र के सामने करें। जाप से पहले गणेश जी, भगवान शिव जी और माता दुर्गा का पंचोपचार से पूजन अवश्य करें और फिर मंत्र जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। सर्व बाधा प्रश्मनम त्रिलोक्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद वैरी विनाशनम। मंत्र फिर से समझते हैं। सर्व बाधा प्रश्मनम त्रिलोक्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद वैरी विनाशनम। 11 माला का जाप हो, फिर 11 माला के जाप के बाद में 108 आहुति इसी मंत्र के अंत में स्वाहा लगा के देनी है, जिसमें हवन सामग्री इस प्रकार रहेगी: सूखी हुई नीम की पत्तियां, असली लोभान, शुद्ध गूगल, राई, काली मिर्च, तिल, सरसों और दशांग धूप, जो आपको बाजार में बड़ी आसानी से मिल जाएगी। दर्शकों, 11 दिन करना है। 11 दिन बीतते बीतते आप देखेंगे कि आपके व्यापार पर हो रहे सभी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव हटने लगेंगे, आपका काम सुचारू रूप से प्रगति की ओर बढ़ने लगेगा, आर्थिक स्थिति सुधरेगी, किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आपके व्यापार स्थल पर नहीं टिक पाएगी। ये अमोघ और सटीक उपाय, इसमें कोई संदेह नहीं, आप करके देखिए, लाभ होगा। इसी प्रकार से अगर आपके भाग्य के रास्ते सभी ओर से बंद लगने लगे हैं, सभी काम होते होते रुक जाते हैं, 99 पर आके आप बिल्कुल असफलता हाथ लग जाती है, या जीवन में सफलता का प्रतिशत अब असफलता के प्रतिशत से बहुत कम हो चला है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप पूरे तन मन धन से भगवान गणेश जी की शरण लें, उन्हें नित्य दुर्वा, दो लड्डू और दक्षिणा अर्पित करें और इस बहुत ही विशेष मंत्र की एक या अधिक माला क्षमता के अनुसार जाप करें। कुछ ही दिन बीतेंगे और आप देखेंगे कि जीवन में जो अड़चने आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, वो कम होने लगी हैं और नित निरंतर नए नए उन्नति के अवसर आपको मिलने लगे। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है: ओम गंग गणपते नमे सर्व विघ्न विनाशाय, सर्वारिष्ट निवारणाय, सर्व सौख्य प्रदाय, बालानाम बुद्धि प्रदाय, नाना प्रकार धन वाहन भूमि प्रदाय, मनोवांछित फल प्रदाय, रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। दर्शकों, निसंदेह ही ये महामंत्र आपके सारे संकटों का निवारण करेगा, आपके सारे कार्यों को सिद्ध करेगा और आपको जीवन में असफलता से निकाल कर उस सफलता की ऊंचाई पर ले जाएगा जिसकी आपने अभी तक कल्पना भी नहीं की। बस आवश्यकता है पूर्ण समर्पण, पूर्ण भक्ति भाव और पूर्ण श्रम के साथ साधना में जुड़ जाने की। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशेष उपाय जो आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान बता रहे हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक हितेश लालवानी जी की, अजमेर से। 27 मई 1988 का इनका जन्म है, 6:27 का, अजमेर। प्रश्न किया है, व्यापार काम धंधा कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। देखिए हितेश जी, आपके वर्तमान महादशा अनुकूल नहीं है। सन 2016 से शुरू हुई है गुरु की महादशा और अभी 2024 तक आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी। तो करना क्या है, तब तक आपको धैर्य धारण करना चाहिए और कुंडली में आपके इसके अलावा कोई दोष भी नहीं है, तो एक बार समय अनुकूल हो जाएगा इन 2024 के बाद में, तो आप परेशानियों से धीरे धीरे खुद ही बाहर भी आने लगेंगे।
बचा हुआ जो अभी प्रतिकूल समय है वो अच्छे से बीते, कोई बहुत बड़ी समस्या ना आए, इसके लिए आप भगवान शिव जी के मंदिर दोनों टाइम जाइए, ब्रह्म मुहूर्त में जाइए और शाम गोधूली वेला के बाद में जाइए, और 11-11 माला नमः शिवाय की कीजिए। कुछ ही दिनों में समस्याएं शांत होगी, आप रिलैक्स हो जाएंगे, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है हनुमानगढ़ से सुरेंद्र सिंह जी की। 3 नवंबर 1999 का इनका जन्म है, सुबह 6:32 हनुमानगढ़। प्रश्न किया है कैरियर किस फील्ड में रहेगा। सुरेंद्र जी, आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस में अपना कैरियर बनाना चाहिए। इसके अलावा आप एनजीओ संबंधित क्षेत्र से, यानी समाज सेवा से जुड़े हुए जो एनजीओज रहते हैं उनसे जुड़कर भी अपना करियर बना सकते हैं। अगर आप नौकरी ना करके अपना खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं तो दूध, पानी, केमिकल्स और कपड़े से संबंधित कार्य आपके लिए बहुत ही उचित रहेंगे। उत्तम फल प्राप्ति के लिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए शनि के 7 गुना जाप करवा लीजिए। साथ ही शनिवार के दिन दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच में नीम, पीपल, बरगद के पौधे लगाइए, तो जीवन में आप बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे और असफलताओं से दूरी बन जाएगी आपकी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा, ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि सटीक समय पर करके आप पूरा लाभ उठाएंगे। और ज्ञान चर्चा सत्संग में जो हमने समझाया कि कौन से दुर्गुणों से दूर रहना है और कौन से सद्गुण हमें अपने जीवन में उतारने हैं, इसका आप पालन करेंगे, जीवन को एक आदर्श जीवन में परिवर्तित करेंगे। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति।